आज हम बनाएंगे मैक्सिकन चिमिचांगा। मैक्सिकन चिमिचांगा के लिए हमें चावल चाहिए। मैंने डेढ़ को ले लीजिए और इन्हें गर्म पानी में धो के भिगो के रख देना है 10 मिनट के लिए साइड पे कवर करके रहते हैं। यहाँ जैसे भी फिर हमें चाहिए एक टमाटर, एक प्याज, एक सब्ज मिर्च और एक लहसुन। इन सब की हमें पेस्ट बनानी है। टमाटर और सब्ज मिर्च को पहले हम छिलके उतारने के लिए टमाटर के पहले हम इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ी थोड़ी बर्न हो जाए, ज़्यादा बर्न नहीं। फिर चावलों को हम ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक ये कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते। इनको फ्राई करते रहना है। दूसरी तरफ हम चीज़ तब तक के लिए शेड कर लेंगे जब तक हमारे चावल फ्राई हो रहे हैं। साथ ही बीन्स भी रख लेंगे। बीन्स बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पेस्ट तैयार है हमारी, ये देखिए। ब्राउन होने लगाते रहना ताकि नीचे लग ना जाए। अब हम इसमें, ये देखिए ब्राउन हो गई है। अभी हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे और पेस्ट ऐड करके तब तक पकाएंगे जब तक कि पेस्ट सारी सूख नहीं जाती। ये देखिए लिक्विड सारा ख़त्म हो रहा है और अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर ऑप्शनल है, मैंने वैसे डाले थे। और पानी डालेंगे जितना चावलों के लिए दरकार होता है। अब हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे हसबे जायका, जितना जितना आप लोग खाते हैं। ये देखिए चावलों को कवर करके रख दें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तब तक मैंने चॉप सेलेक्ट कर दिया, खीरा, टमाटर, प्याज सबको बड़ी बड़ी काट लिया। और अब मैंने एक पैन में तेल गर्म करके प्याज पकाने शुरू कर दिए। बीन्स डाल दिए, बीन्स के साथ नमक मिर्च भी डाल दिए। बीन्स को मैंने पहले बॉईल किया था। आप चाहें तो आप प्याज ना डालिए पर मैं प्याजों के साथ पका लूँगी थोड़ी देर से। नमक मिर्च हसबे जायका हो और इस मसाले को थोड़ी देर पकने दें ताकि बाद में हम इसे मैश कर सकें। देखिए और एक दूसरे में मिक्स होने दें। अब हम बड़ा तरतिया लेंगे और उसे अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें गर्म शुदा में चीज़, बीन्स और अपने चावल डालेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे चॉप सैलड, सावर क्रीम, योगर्ट ऑप्शनल है, मक्खी चीज़ के साथ हम इसे सर्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।